मैं प्रार्थना करूंगा तो सब कुछ होगा, मैं ये करूंगा तो सब कुछ हो जाऊ। जो मैं अंदर आना शुरू हो जाती है तो समझो शैतान अंदर आ चुके हैं, क्योंकि इदा के शब्द तेरे को कि तू कर सकता, तू कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो तुहानू अपनी पहचान किस तरह हो सकती कि परमेश्वर तुहानू पसंद करता है। कोई दस सकता है कि तुहाडी अपनी पहचान किस तरह हो सकती कि परमेश्वर तुहानू पसंद करता है? किस तरह हो सकती है? हो सकता तुसीं अपने आप नूं समझदे हो जां कोई भी पास्टर जिहड़ा है कि मैं बहुत वड्डा प्रचारक हां, मैं बहुत वड्डा प्रचारक हां, मेरे अगे 10,000-20,000 लोग जिहड़ा आ वो बैठ के वचन सुनदा है, कि परमेश्वर इस तरह पसंद करूगा? जां तुसीं इह सोचो कि मैं हजारां बपतिस्मे दे चुक्या हैगा आ, कि परमेश्वर इस तरह पसंद करूगा? हो सकदा तुसीं बहुत सारे बपतिस्मे दे दित्ते हो, हो सकता तुसी बहुत बार बाइबल नू ट्रांसलेशन कीता होए, बाइबल दी व्याख्या कीती होए, तुसी बहुत वड्डे लेखक बन गए प्रभु यीशु मसीह के बारे लिख सको कि परमेश्वर पसंद करू। हो सकता तुसी टीवी ते रेडियो ते तुहाडा प्रोग्राम आउंदा होए कि परमेश्वर इस तरह पसंद करू। हालेलुया। हो सकता तुसी बहुत वधिया वर्शिप करते हो कि परमेश्वर पसंद करूगा। हो सकता तुसी चर्च दे एल्डर हो, पर सारे कामों की अहमियत की है? सब तो वड्डी गल कि तुसी अज अधीन हैगे आ कि नहीं है? तुसी वड्डे प्रचारक हो ज्यादा जरूरी नहीं, पर तुसी अधीन हैगे आ कि नहीं हैगे ज्यादा जरूरी। तुसी हजारां लखां बपतिस्मे दित्ते ज्यादा जरूरी नहीं, तुसी अधीन हैगे कि नहीं हैगे? तुसी सेवा किस तरह कर रहे हैगे ये ज्यादा जरूरी। कि तुसी कितने लाइनां भी ला दित्तियां हैगियां कि मैनूं मिलन वास्ते भी अज तुहानूं इक टोकन लैणा पऊगा, मेरे तक पहुंच नहीं सकता कोई? प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी मेरे तो बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई पिता कोल नहीं जा सकता। अजकल दे प्रचारक कहिंदे आ उत्थे जिहड़े अगे चेले च पाटे कहिंदे साडे तो बिना तू पास्टर नूं नहीं मिल सकदा, साडे तो बिना रुकावट पैदा कीती, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बंद किया। अज ओह कहिंदे आ कि नहीं जी, तुसीं पहला कार्ड बनाओ साडा इक, फिर तुसीं मिल सकदे। हो सकता तुसी वड्डे प्रचार तो लखां बपतिस्मे दित्ते आ गया, पर तुहाडी सेवा जिहड़ी उह किस तरह है? कि तुसी नम्रता दे नाल अधीनता दे नाल, कि बाइबल दे जे कल्ले गल्लां लिखियां हैगियां? हालेलुया, हालेलुया। अज कई बार बहुत सारे लोग गुस्सा करते आ उहदे बारे को बोलिया, उहदे बारे को बोलिया, कि तुसी प्रभु यीशु मसीह दीआं गल्लां कह सकदे आ? कि तुसी प्रभु यीशु मसीह नूं कह सकदे आ कि प्रभु तूं क्यों इन्हां नूं डांटिया हैगा आ? प्रभु तू कहना कपटी क्या है? तू को झिड़किया है लोगों को बाइबल के बीच? इतने चंगे लोग है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता तुसी वधिया वर्शिप करते हो, सब कुछ करते हो, पर तुहाडी सेवा जिहड़ी आ वो नम्रता दे विच अधीनता दे विच होनी चाहिए। हो सकता तुसी घर च वधिया खाना बनाते हो, इहदे विच भी कदीक दी कमांड आ, मेरे वर्गा कोई नहीं बनाउंदा। हालेलुया। कि सचमुच इस तरह हुंदा कि मेरे वर्गा खाना तेनूं किसे ने नहीं देना। हालेलुया। देखा बहुत सारियां भैणां चौपे दा मतलब मैं 50% तक सही भी हैगा, बाकी तुहानूं पता कदी कदी घमंड जिहड़ा उह साडे अंदर छोटियां छोटियां गल्लां तों वी आउणा शुरू हो जांदा, छोटियां छोटियां गल्लां। तुसीं कदी बाजार विच जाओगे, तुसीं कितें 2 किलो दुध लै लो, लागे बंदा नहीं कि 10 रुपए च बंदा खड़ा हो जांदा, अच्छा मैं 2 किलो लै के चलिया आ 10 दा लै के चलिया, इक घमंड दा लेवल हो गया। सानूं लगदा मैं ही शायद वधिया कर सकदा, दुकान से सौदा लैन गए किसी ने थोड़ा थोड़ा लिया और जिन्हें ज्यादा लिया वो थोड़ा जा फुल के खिले, मैं ज्यादा खा रहा हूं। हालेलुया,
हालेलुया। याद रखो तुसी 5 रुपए का तेल लो जे 10 रुपए का लो और दूजे पासे कोई एक तीन लवे उन्हें भी घर जाके रोटी बनानी तुसी भी रोटी बनानी उन्हें भी खा के सोना तुसी भी खा के। और बाइबल से कोई लेके आ गया कि परमेश्वर सानू रोज की रोटी दे पर असीं एवें तीन लैके भूए चढ़ जाने असीं 5 किलो लिया के भूए चढ़ जाने बाइबल लिखा सानू रोज की रोटी दे है ना। अजकल रोटियां ज्यादा ध्यान हो गया तुहानू पता प्रभु यीशु मसीह दे आउण तों पहलां वी धरती दे उपर तीन चीजां जिहड़ियां सी उह बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होई। सब तों पहलां लोग जिहड़े सी उह घर बणाउण दे विच बहुत अगे निकले उह घर ही बणाई जांदे सी घर ही बणाई जांदे सी। अज वी देखो तुसीं सेम इहो ही काम अज लोकी घर ही बणाई जांदे खेत खतम होई जा रहे हैगे आ लोग वधी जा रहे हैगे आ एक दिन अनाज खत्म हो जाना पानी भी खत्म हो जाना साड़ी सेवा उस तरह की होगी ना सेवा उस तरह की होगी। अज याद रखो कि किन्ने लोग मजबूर हो गए। और दूसरी गल जिहड़ी सी खाण पीण दे विच बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई खाण पीण दे विच लोगों ने बहुत तरह तरह चीजा खानिया शुरू कर दी। अज सेम इसे तरह अज सब तो ज्यादा खाण पीण का तुसी काम वेख सकते हर जगह नवियां तो नवियां को रेहड़ियां लग गईयां कुछ दुकानां पै गईयां होटल बन गए हर जगह अरइए तुसी वेख लो वो जो शुरू होने तुसी खलतियां दे उधर नूं वेखो ब्यास तक सब वो ढाबे होटल खुली जा रहे लोग खाई जा रहे घरे भी खाई जाते बाहर भी खाई जाते बस एको काम रह गया खाना। हाले लोही है। तीसरी गल व्याह दे विच लोग व्याह बड़े करवाउण लग पए अगे साडे वी इत्थे पंजाब च हुंदा सी कि इक सीजन हुंदा सी व्याहां दा तुहानूं पता हुण कोई सीजन नहीं हैगा हुण गर्मियां सर्दियां मीं जो मर्जी आ जाए भावें जो मर्जी हो जाए व्याह हुंदा। और उस टाइम ते जदों इह काम होया ते जल परले दुनिया ते आया ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅਧੀਨਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੇਪਰ ਵੰਡੇ ਸੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਾਪ ਸ਼ਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਪਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰ ਜੋਤੀ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ 10% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਾਸਕੜੀਆਂ ਘੁੰਮ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਆ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਜੇ ਉੱਚਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਚਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਦੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰ ਦੱਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ कि ਤੁਹਾਡਾ जीवन बदल सकता सी जे परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਨੂੰ बदल सकता तो किसी के जीवन ਨੂੰ बदल सकता ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ अपने पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ हर जगह से जाके यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ एक ਜਿਹੜਾ ਟੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ हर जगह से है एक कोने कोने ਦੇ ਵਿੱਚ जे कि ਤੁਸੀਂ वचन ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ मार भी पैगी ਤੁਹਾਨੂੰ हो सकता बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ जाए तो याद रखो स्वर्ग ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ पक्का आ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ सेवा करते करते जान भी दे ਦਿੱਤੀ सोचियो कि बस ये फ्री दे हूं की मिलना है जितना तुम मसीह वास्ते सेवा करते हैं जान दे दी उस दिन याद रखो स्वर्ग का दरवाजा ताडे वास्ते खुल जाता है हालेलुया स्टीफन जो ने सेवा करनी शुरू की बहुत सारे लोगों ने जरा लिया के प्रभु का वचन दसिया उन्होंने पाप दसे लोगों ने उन्होंने गुस्सा चढ़िया उन्होंने पत्थर मार मार के मार दिता और बाइबल च लिखा है कि उस टाइम जरा प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन स्वर्ग में दिखा और प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन तो खड़े हो गए अपने बाहों में फिरा लिया आ मेरे पुत्र स्टीफन मैं तेरा इंतजार करता हूं पर अपनी सेवा उन्हें पूरा किया उन्हें जान दे दी है पर झुकया नहीं सोचा नहीं कि शायद मैं कर नहीं सकता उन्हें कहा मैं कर सकता मैं कर सकता ये कोई भी काम बता असी मिश्र दे विचों ते बाहर आ गए पर मिश्र साडे अंदरों बाहर नहीं असी गुलामी तो बाहर आए हैं पर वो गुलामी साडे अंदरों उसे तरह घर बना के बैठे है कभी कभी असी पहलियां नूं याद करते रहिंदे हैगे आ मैं पहलियां की करता सी मैं जे करता सी मैं वो करता सी तुसी करते सी पर याद रखो ताडे पल्ले कुछ नहीं पिया अज ताडी जबान ते लिखा बाइबल अनुसार लिखा कि ताडी जबान दे उपर किसी देवी देवते दा नां तक नहीं होना चाहिए हालेलुया कभी नाम ना होवे दुबारे क्योंकि एक ही नाम होना चाहिए वो नाम हैगा यीशु नाम की नाम हैगा अपने नाल दे दसो ताडी जबान ते एक ही नाम रहे वो यीशु नाम क्योंकि यीशु नाम ही मुक्ति का नाम है यीशु नाम छुटकारे का नाम है यीशु नाम उधार का नाम है एक सृष्टि करता एक उधार करता जिहड़ा वो धरती दे आके साडा नीवा बन गया फिलिपियां की किताब पढ़ के कुछ लिखा उन्हें अपने आप नूं जीरो किया अपने आप नूं शून्य किया दास का रूप धारिया और दास दे वांगू जीवन बची लिया उन्हें एक दास के वांगू जीवन जिया उन्हें वो मालिक बन के नहीं वो धरती के सेवक बन के आ गया साडे वास्ते अज असी केड़ी गल्लों मालिक बनते आ गए अज साडा जीवन एक सेवक दे वांगू हो जाना चाहिए एक सेवक बन जाना चाहिए अज साडा थानू बंद रखांगे और सब अपने थानू पर चुको याद रखो बदलिया होया जीवन जिहड़ा आ वो परमेश्वर दा वो परमेश्वर की महिमा का जीवन विचार करो वो सृष्टि करता इंसान नु बनाउन वाला वो उद्धार करता धरती दे आ गया अपने आप नु दास बनाता अपने आप नु अधीन कर दिता वो राजा का राजा वो प्रभुआं का प्रभु याद रखो जे तुसी सेवा करना चाहुंदे आ ते सब तो पहला अपने आप नु छोटा करन नु तैयार रहो अरे जिहड़े आ पाए पैर धोण तक ही सीमित न रहे एक दिन नहीं हर रोज मदद करन वास्ते तैयार रहो हर रोज प्रार्थना करनी तैयार रहो हर रोज जिहड़ा अपने आप नु नीवे करन वास्ते तैयार रहो जो परमेश्वर तुहानूं व्यक्ति नु उच्चा कर देगा